उधर यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दीवार लेखनी कार्यक्रम में शिरकत की और इस दौरान उन्होंने कहा है कि 2024 में फिर से कमल खिलने जा रहा है। विपक्षी सिर्फ छटपटा रहे हैं क्योंकि जनता इनको भाव नहीं दे रही और जनता जानती है कि उनके लिए विकास कार्य सिर्फ बीजेपी ही करवाती है। आज देश भर में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जेपी नड्डा जी ने दीवार लेखन कार्यक्रम का प्रारंभ किया है। उत्तर प्रदेश में हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी ने उन्होंने भी दीवार लेखन का प्रारंभ किया है और मुझे भी भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के नाते दीवार लेखन का प्रारंभ करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पूरे देश में इस समय दो प्रकार की लहर चल रही है, एक राम लहर है, दूसरी मोदी लहर है। तीसरी बार कमल खिलाने के लिए देश तैयार है, मोदी जी की तीसरी बार सरकार बनाने के लिए देश तैयार है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अब दीवार लेखन का कार्यक्रम शुरू कर दिया है। आप देख सकते हैं कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दीवार लेखन के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, जहां पर ये क्राइस्ट चर्च रोड है जो राजभवन की तरफ जाती है और डिप्टी सीएम खुद दीवार लेखन के कार्यक्रम में जो है शामिल हुए हैं। अपने हाथों से जहां उन्होंने कमल का फूल बनाया है तो वहीं एक बार फिर से मोदी सरकार का जो टैगलाइन है वो लिखते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में शुरुआत की, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अयोध्या में इसकी शुरुआत की, तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने जो है केसरबाग रोड पर जो लालबाग है वहां पर इसकी शुरुआत की, तो वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी इसकी शुरुआत क्राइस्ट चर्च रोड पर जो है की है। जिस तरीके से बीजेपी लगातार माहौल बनाती हुई चुनाव को लेकर दिखाई दे रही है, ऐसे में जो चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे सांसद हो, विधायक हो, उनको सभी को ये जिम्मेदारी दी गई है कि जो वरिष्ठ नेता है वो दीवार लेखन के कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसकी शुरुआत आज से हो चुकी है। कैमरा दिलीप के साथ में लालचंद, नेटवर्क 10 लखनऊ।